कोरोना महामारी के दौर में टी बोर्ड की ओर से कांगड़ा चाय उद्योग से जुड़े लोगों के लिए 2 करोड़ रुपए की सहायता संजीवनी के तौर पर दी गई है। 2019-20 के वित्तीय वर्ष में चाय उद्योग से जुड़े 1,108 लोगों को लगभग 196.14 लाख की मदद मुहैया करवाई गई है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के चाय उत्पादकों, चाय बागानों, चाय उद्योग, लघु चाय उत्पादकों व श्रमिकों को ये सहायता प्रदान की गई है। चाय उत्पादन से जुड़े अनुसूचित जाति के 60 तथा अनुसूचित जनजाति के 360 सहित कुल 440 लोगों को छोटे चाय बागानों व लघु उद्योगों के प्रबंधन व रखरखाव के लिए 125.50 लाख की राशि उपलब्ध करवाई गई है। इसके साथ ही क्षेत्र के सैकड़ों चाय उत्पादकों के लिए काम कर रही पालमपुर कोऑपरेटिव टी फैक्ट्री को 33 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी गई है। पालमपुर स्थित टी बोर्ड ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालय के उपनिदेशक डॉक्टर अनुपम दास ने बताया कि इस कठिन दौर में टी बोर्ड चाय बागान मालिकों की हर संभव सहायता के लिए तत्पर है। विभिन्न मदों के तहत चाय उत्पादकों के साथ श्रमिकों के लिए भी करीब 2 करोड़ की राशि मुहैया करवाई गई है, जिससे 1,108 लोग लाभान्वित हुए हैं। वहीं पालमपुर कोऑपरेटिव टी फैक्ट्री के लिए 33 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। समस्या को हल करने के लिए सबसे पहले जो जरूरत टी बोर्ड समझा है कि इंडस्ट्री का जो भी पेंडिंग लायबिलिटीज था, जिस पैसा उन लोगों को मिलना चाहिए था और मिलने के लिए किसी कारण में थोड़ा टाइम गैप आ रहा था, उस टाइम गैप को हटा के जल्द से जल्द इस क्राइसिस के टाइम में ये पैसा को उन लोगों तक पहुंचाना, ये हम लोग को एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हम लोग इसको अपनाया। तो इस हिसाब से क्या हुआ कि चाहे क्रॉप शुरुआत हो व ना हो और जितना भी उसका लॉस हो सकता है, उसको मद्देनजर नहीं रखने से भी जो उनका रिसिलियंस व उनका जो सस्टेनेंस व उन लोगों का जो वर्किंग एक्सपेंस, उसको मिटाने के लिए कम से कम हम लोग का ये फंड सब लोगों के लिए, चाहे गार्डन वर्कर हो, चाहे गार्डन का फैक्ट्री मैनेजर हो, ओनर हो, स्मॉल ग्रोअर हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब ग्रोअर हो, सब लोगों के लिए एक मदद के रूप से हम लोग कह सकता है कि इंडस्ट्री को जो क्राइसिस आया इसको सामना करने के लिए मदद मिला है। कितनी राशि आई है? राशि हम लोग करीबन 196 करोड़ राशि, हम लोग 196.14 लाख हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किया है और 1,108 बेनिफिशियरी इसमें शामिल है। और 1,108 बेनिफिशियरी में जिसको हम लोग कहता है कि इंडस्ट्री में जितना स्टेक होल्डर्स है, जो भी कैटेगरीज है, जैसे वर्कर्स है, फिर जो स्मॉल टी ग्रोअर्स है, शेड्यूल का शेड्यूल टाइप स्मॉल टी फार्मर्स है, उसके साथ साथ जो फैक्ट्रीज अच्छा चाय बनाता है, एक्सपोर्ट क्वालिटी चाय बनाता है, उन लोगों का इंसेंटिव दे के उन लोगों का जो मनोबल और उन लोगों का सीजन शुरू करने के लिए जो भी उन लोगों का एक हौसला व मोटिवेशन, उसके बारे में हम लोग काम किया। और साथ साथ हम लोग शेड्यूल का साब प्लान में सबसे कांगड़ा में जो ज़्यादा चाय बनाता है पालमपुर कोऑपरेटिव टी फैक्ट्री, उस फैक्ट्री को हम लोग शेड्यूल का साब प्लान के अंडर में 33 लाख दिया है, जो उन लोगों का इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी के अंदर में कभी नहीं आ सकता था, क्योंकि उन लोग फंड क्रंच में कई साल से गुजर रहा है और फंड स्ट्रैप सिचुएशन में हम लोग का जो 33 लाख हम लोग दिया है, उसमें उन लोगों का फैक्ट्री का कैपेसिटी, मैकेनाइज्ड लीफेल्डिंग, ऑटोमेशन और साथ साथ हम लोग का जो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट और प्राइस रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए, और उसके साथ जुड़ा हुआ फार्मर्स को उसका जो बैकएंड में ग्रीन लीफ प्राइस अच्छा मिलने के लिए मदद करेगा, इसलिए 33 लाख हम लोग पालमपुर फैक्ट्री को एक स्पेशल इंसेंटिव हिसाब से दे दिया।